हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर, और आज हम यहाँ पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ्स। तो जैसे आप सभी को पता है, हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक्सरसाइज सेकंड चल रही है हमारी। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई होप आपसे हो गया होगा। एक बार मैं आपको उसको बता देती हूँ किस तरह से होना था। वो आपके दो आपके कॉन्स्टेंट इसमें हमने दिए हुए थे, एक ये था। हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। इसके टू पॉइंट हमने निकाले। टू पॉइंट निकालने के बाद हमारा इस तरह का ग्राफ आपका आएगा। आपके जो हमने कॉन्स्टेंट दिए हुए थे उसमें से साइन दिए थे, उससे हमने ग्राफ बनाया। तो देखिए, एक का रीजन जा रहा है ओरिजिन के आउटसाइड और दूसरी का भी आउटसाइड जा रहा है। तो कोई भी कॉमन रीजन इसमें आपका नहीं आ रहा है। जब कॉमन रीजन आपका नहीं है, यानी कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं इसमें, जब फिजिबल रीजन नहीं होगा तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द गिवन एलपीपी हैज नो विजिबल सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जो कल आपको होमवर्क में दिया था हमने क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर यही था कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखिए, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पेपर में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में ये भी आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम जेड आपका फंक्शन दिया हुआ है x1 प्लस x2। आपके तीन कांस्टेंट हमने इसमें दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। नॉन नेगेटिव फंक्शन हमने दिया हुआ है। अब तीनों जो आपके दिए हुए हैं कांस्टेंट सब्जेक्ट हो, इनको क्या करेंगे, इक्वेशंस में चेंज करने वाले हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, कन्वर्टिंग द गिवन कॉन्स्टेंट इनटू इक्वेशंस। जो भी कॉन्स्टेंट आपको दिए हुए हैं उनको किस में चेंज करने वाले हैं, इक्वेशंस में चेंज करेंगे। तो कितने इक्वेशन आपके बन जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट बनेगी आपकी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, और एक लास्ट है आपकी x2 इज इक्वल्स टू 4। ये तीन आपकी इक्वेशन बन गई है। सेम वही प्रोसेस मैंने आपको कल बताया था, जितने इक्वेशंस हैं उनके पास बॉक्स बनाइए, उनके वेरिएबल नोट कीजिए और जीरो नोट कीजिए। तो देखिए किस तरह से बताया था, दो इक्वेशन हमारे पास है, दूसरी तो वैल्यू ही है। तो दोनों इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल लिखोगे x1 एंड x2। इतना कल मैंने आपको बता दिया था। अब क्या करेंगे हम, जीरो रखेंगे, जीरो यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ और यहाँ रख लीजिए, दोनों जगह में से आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप वहाँ रख लीजिए। चलिए आज यहाँ रख लेते हैं, ये हमने जीरो रख लिया। अब पुट कीजिए x1 की जगह जीरो, तो x2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। अब x2 की जगह जीरो पुट कीजिए तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, यही आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, आप x1 की जगह जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1, और x2 की जगह जीरो पुट करेंगे तो भी कितना आएगा, 1। एक वैल्यू आपकी दी हुई है। अभी हम इससे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया है, ये पॉइंट सबको मालूम है, ओ 0 0 होता है। देखिए x2 की लास्ट पॉइंट कितना है हमारे पास, 5, और x1 का कितना, 10। तो यहाँ पे कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या है, x2। इधर बनाएंगे x1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा हम उधर बना लेते हैं ग्राफ, यहाँ ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलिए इधर इधर पर देख लीजिए ग्राफ, क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन की ज़रूरत है, फंक्शन छोड़ लेते हैं। तो देखिए ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, ये पॉइंट है आपका 0 0, यहाँ बनेंगे पॉइंट 1 2 3 4 एंड लास्ट 5, ये है आपका x2,
यहाँ 10 पॉइंट बनाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 पॉइंट्स हो गए आपके। ये है आपका एक्शन। तो चलिए अब देखिए, दो पॉइंट हमारे पास हैं, कौन कौन सा, 0 and 5। तो पहले देखिए 0 और 5 कहाँ पे है आपका, तो चलिए देखिए 0 और 5, x1 पे 0 और x2 पर 5। x2 पर 5 कहाँ है, यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है आपका, 0, 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10, 0। 10 कहाँ पे है, x1 पे, ये है आपका 10, 0। ये बन गया आपका दो, हमने पहले वाले पॉइंट कंप्लीट कर लिए। तो इस लाइन को, इस पॉइंट को, उस पॉइंट से हम मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट लाइन है आपका x1 पे 0 एंड x2 पर 1 यहाँ पे, और दूसरा x2 पर 0 और x1 पे 1। तो ये कितना है आपका, 0, 1, और ये है आपका 1, 0। यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए x2 कितना दिया हुआ है आपका, 4। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट पे क्या करेंगे, 1 सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, 0, 4। अब आई आपकी बारी हमारी फिजिबल रीजन की। तो देखिए हमारे जो कांस्टेंट हैं उसमें क्या दिया हुआ है, एक जो पहले वाला कांस्टेंट था ये वाला, इसमें कौन सा साइन दिया था आपका, ग्रेटर लेस देन का, और जो दूसरे वाला कांस्टेंट है उसमें किसका साइन दिया हुआ है, ग्रेटर देन का। ठीक है, और जो लास्ट वाला है आपका 4 वाला, इसमें भी किसका साइन है, ग्रेटर देन का। तो देखिए आप फिजिबल रीजन किस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर देन वाला होता है आपका, उसका क्या करते हैं, ओरिजिन की साइड, साइड ऑफ ओरिजिन, ये भी साइड ऑफ ओरिजिन रहेगा, और ये वाला जो सेकंड वाला है आपका, ये कहाँ रहेगा, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन रहने वाला है। तो देखिए जो फर्स्ट से हमने ड्रॉ की थी, फर्स्ट लाइन हमारी ये वाली ड्रॉ हुई थी, साइन कौन सा था हमारे पास, ग्रेटर देन का। तो विजिबल रीजन किधर होगा, ओरिजिन की साइड, यानी अंदर की साइड, इस तरह से ये होगा विजिबल रीजन अंदर का। अब देखिए लास्ट वाला जो है, इसका भी ग्रेटर देन है, यानी इसका भी ओरिजिन का, सॉरी फिजिबल रीजन ओरिजिन की साइड होगा इस तरह से। ठीक है, लास्ट बचा है आपका ये वाला कांस्टेंट, इसमें ग्रेटर देन है आपका, तो कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन इधर है, तो फिजिबल रीजन किधर होगा, इधर। तो देखिए इसमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है आपका, कॉमन एरिया आपका आ रहा है ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कॉमन एरिया है सभी लाइंस का। ये क्या हो गया आपका, फिजिबल रीजन हो गया। इसको नेम नोट दे लेते हैं, A, B, C, D and E। अब देखिए कितने पॉइंट के पॉइंट्स आपके पास हैं, पास है, सी का भी पॉइंट है, बी का भी है, ए का भी है एंड ई का भी है, किसका नहीं है हमारे पास, डी का। अब देखिए डी और सी कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली यानी इस इक्वेशन की, और एक ये वाली यानी इस इक्वेशन की। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। हमें थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो थर्ड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा, ऑन द पुटिंग वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट। x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5x1 प्लस कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू 50। 5x1 इज इक्वल्स टू इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 10। तो x1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, यानी कितना हो गया, 2। x2 की वैल्यू है हमारे पास, x1 की आ गई 2, तो पॉइंट कितने आ गए आपके पास, 2, 4। देन इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे फाइंड आउट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे, हमने मिनिमम निकालना है क्वेश्चन में। पहले सारे पॉइंट एक जगह नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
तो चलिए देखिए आगे। पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। पॉइंट ए कहाँ पे है आपका? पॉइंट ए की वैल्यू है आपकी 1.0। पॉइंट बी की वैल्यू कितनी है? 0.1। पॉइंट सी की वैल्यू है आपके पास 0.5। पॉइंट डी की वैल्यू कितनी है? 2.4। एंड पॉइंट ई की वैल्यू है आपके पास 10। ये 10 है भाई, 10.0। तो 5 पॉइंट आपके पास आ गए। इन पॉइंट्स को रखेंगे मिनिमम वाले फंक्शन में, जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। z कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, x2 की जगह 0 रखेंगे। b में रखिए कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। z किस में रखेंगे? c में तो कितने आने वाला है आपका? 5 आने वाला है। नेक्स्ट रखेंगे d में, तो आपका मिनिमम कितना आएगा? 6 आएगा। और z रखेंगे हम e में, तो कितना आएगा? 10 आने वाला है। तो हमारे सॉल्यूशन के साथ हमारा ये आ गया है। अब देखिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू एक ये है, एक ये है। तो इससे हमें पता लगता है ये जो आपको कांस्टेंट यानी फंक्शन या जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं इसका क्या है। मैंने इनफाइनाइट फंक्शन है, इसके कई सारे आपके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए 1-2 बार आ रहा, तो आप लोग लिखेंगे द गिवन एलपीपी हैव कितने आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसके साथ आएंगे? देखिए उसमें से एक सॉल्यूशन आपके पास, या तो ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला लीजिए। द वन सॉल्यूशन इज कितना लिखोगे? x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0। या फिर क्या भी लिख सकते हो, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1। और z इज की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 1। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम दिया हुआ है आपको, 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैक्सिमम का है, 2 कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। दोनों आपको सॉल्व करके देखने हैं, सॉल्व करिएगा, दोनों बहुत ईजी हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए मैक्सिमम निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है और कितने 3 कांस्टेंट, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है, बिल्कुल सेम एडिक्ट तो ऐसे ही होना है, आप लोग करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमम निकालना है, इसमें भी सिर्फ 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे चारों के चारों। नहीं होंगे तो आप लोग बताइएगा, मैं करा दूंगी आप लोगों को। आप लोग इन्हें नोट कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, करिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम दिया हुआ है 3x1 + 4x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अब आपके हो गए 4, अभी तक 3 वाले हमने किए हैं, 4 कांस्टेंट आपके आ गए हैं। इनको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, पहले जो कांस्टेंट है उनको इक्वेशन में चेंज कर लीजिए। सॉल्यूशन कन्वर्टिंग द गिवन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन में चेंज करिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी 5x1 + 4x2 = 200। नेक्स्ट इक्वेशन बनने वाली है 3x1 + 5x2 = 150। नेक्स्ट इक्वेशन 5x1 + 4x2 = 200। नेक्स्ट है आपकी 8x1 + 4x2 = 80। तो देखिए 4 इक्वेशन हमने कांस्टेंट से बना ली हैं। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस सेम जैसे मैंने आपको बताया था, 4 बॉक्सेस बनाई हैं। वेरिएबल नोट डाउन कीजिए x1 एंड x2, इसी तरह से इसमें भी x1
एक्स टू, नेक्स्ट बॉक्स एक्स वन एंड एक्स टू और लास्ट एक्स वन एंड एक्स टू। अब देखिए जीरो रख लीजिए या तो इन दोनों कॉलम में या फिर इन दोनों कॉलम में। हम किस में रख रहे हैं, इन दोनों में रख लीजिए, आपकी मर्जी है, इन दोनों में भी रखोगे तो आंसर सेम आना है। अब देखिए एक्स वन की जगह जीरो रखना है तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आने वाली है, डिवाइड कीजिए फोर से तो कितना आएगा 50। एक्स टू की जगह जीरो रखिए, डिवाइड कीजिए फाइव से तो कितने आने वाला है 40, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन में हम जीरो रखेंगे, फिर से जीरो रखेंगे एक्स वन की जगह तो कितना आएगा आपका 30 और एक्स टू की जगह जीरो रखोगे कितना आएगा 50। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से जीरो रखिए, एक्स वन की जगह जीरो रखिए तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखिए कितनी आएगी एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू आपकी आएगी 25 फोर से कितने होते हैं 100। नेक्स्ट एक्स टू की एक्स टू की जगह रखिए जीरो और एक्स वन की वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा 20। फिर से जीरो पुट कीजिए सेम कॉलम में। अब देखिए एक्स वन की जगह जीरो रखिए तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी 20 और एक्स टू की जगह जीरो रखेंगे तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी 10। चारों कॉलम हो गए हैं सॉल्व, चारों इक्वेशन, चारों पॉइंट आ गए। अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं, तो चलिए ग्राफ बनाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा दो इक्वेशन में क्या है ग्रेटर देन का साइन और दो इक्वेशन में क्या है लेस देन का साइन। तो देख लीजिए इसमें क्या है लेस देन का, इसमें भी लेस देन का, इसमें भी ग्रेटर देन का और इसमें भी ग्रेटर देन का। ग्राफ हम उधर बनाएंगे, इधर स्पेस नहीं है थोड़ा, तो चलिए देखिए ग्राफ बनाएंगे। अब तो देखिए ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, जीरो जीरो पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, सबको मालूम है जीरो जीरो होते हैं एंड पॉइंट। अब कहाँ है हमारे 10 10 के स्पेस में है, कहाँ तक लेने ही है, एक्स वन की वैल्यू देखिए कहाँ आ रही है 50 लास्ट वैल्यू है और एक्स टू की लास्ट वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है एक्स टू की लास्ट वैल्यू भी 50 है, तो 50 50 बनाएंगे 10 20 30 40 50 10 20 30 40 एंड 50। तो देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है एक्स वन की वैल्यू जीरो और एक्स टू की वैल्यू 50, तो 50 आएगा तो पॉइंट कहाँ पे आपका 0 50 यहाँ पे, उसका बराबर वाला देखिए एक्स वन 40 और एक्स टू जीरो, तो यहाँ पे कितना है आपका 40.0। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों को सीधा मिला लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाली एक्स वन की जगह जीरो है और एक्स टू की जगह 30, तो 0.30 आपका पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ ये आपका है 0.30। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0.50 यानी लास्ट यहाँ 50 0। तो आपको क्या मिलाना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है, ये मिला दिया हमने दोनों पॉइंट। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन में एक्स वन की जीरो और एक्स टू की वैल्यू 25 25 कहाँ आने वाला है, यहाँ आएगा 25 यहाँ पे, तो कितना है ये 0.25 और नेक्स्ट पॉइंट है इसका 0.20, तो कहाँ आने वाला है 20 एंड 0 यहाँ पे 20 0। दोनों को फिर से मिला लीजिए, तीन इक्वेशन हो गई, लास्ट बची है हमारी एक्स वन की वैल्यू जीरो और एक्स टू की वैल्यू 20। एक्स वन की जीरो, एक्स वन की वैल्यू कहाँ पे है 0 यहाँ पे और एक्स टू की वैल्यू 20 यहाँ पे, यानी पॉइंट हमारा कहाँ आया यहाँ, तो 0.20। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10.0 यहाँ पे, ये पॉइंट आपका ये आ गया। दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब बात आई हमारी फिजिबल रीज़न की, तो फिजिबल रीज़न किस तरह से बनाएंगे देखिए। फिजिबल रीज़न बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जो लेस देन है यानी लेस देन का साइन, तो आपका जो फिजिबल रीज़न आएगा ओरिजिन की साइड और जो ग्रेटर देन है उसका आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। तो देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसका कहाँ आएगा ओरिजिन की साइड, तो ओरिजिन की साइड किधर होगा ये, फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई थी 0 50 और 40 तो था यही वाली इक्वेशन है आपकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन हमारी ग्रेटर लेस देन ही है तो ओरिजिन की साइड ही होगा। नेक्स्ट लाइन कौन सी है 50 और 30 वाली यानी ये, तो ओरिजिन की साइड कौन सी तरफ,
इधर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, लेस देन है अब ओरिजिन के आउटसाइड होगा, यानी ये जो दोनों इक्वेशन है इसका ओरिजिन के बाहर की साइड इस तरह से होने वाला है। तो इसमें देखिए कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, कॉमन रीजन आपका देखो ये वाला आ रहा है कॉमन रीजन। देख लीजिए दो लेस देन है और दो ग्रेटर देन है, तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है आपका, ये जो ये शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है ये आपका कॉमन रीजन यानी फिजिबल रीजन, ये हो गया फिजिबल रीजन। अब देखिए पॉइंट नोट कर लीजिए, ए बी सी डी एंड ई कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए। चलिए देख लीजिए कि बेटा ई पॉइंट है, अब देखो हमारे पास जी पॉइंट भी है, ई पॉइंट भी है, ए भी है, बी भी है, सी नहीं है, तो सी कैसे निकालेंगे। एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, कौन कौन सी है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट सी निकालना है। तो चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए आगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हमारी जो देखो इसमें हमें माइनस करना है, यानी एक वेरिएबल खत्म करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 वाले वेरिएबल जो है हमारे कट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड है, क्वेश्चन में डाल लीजिएगा 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड, मीन्स 5 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर वन में, माइनस करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यही कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से कितना हो जाएगा, चलिए साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 5 से कितना हो गया 25x1 + 20x2 इज इक्वल्स टू, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 1000। नेक्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12x1 + कितना हुआ 20x2 इज इक्वल्स टू, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 में, तो कितना हो जाएगा 600। माइनस करना है, साइन चेंज कर लीजिए, ये तो कट हो जाएंगे, माइनस कीजिए 25 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बचा 13x1, देख लीजिए कितना यही आएगा आपका, और आपने 1000 में से 600 माइनस किया तो कितना बचा आपका 400। इसको सॉल्व कर लेके x1 इज इक्वल्स टू 400/30, डिवाइड कीजिए x1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिवाइड करने में पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में फिर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये वैल्यू आपको कोई से भी इक्वेशन में रखनी है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए। तो पुट करते हैं, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू निकल गई है, तो क्या हो जाएगा 5 × 400/13 = + 4x2 = 200। यही है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 13 × 5 = 20, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2000 + 13 × 4 = कितने होते हैं आपके 13 की मल्टीप्लाई 4 में कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए हम ऐसे ना करने की बजाय अगर हमारा सॉल्यूशन हमें इजी करना है तो ये वाली जो पूरी टर्म है इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 4x2 = 200 - 2000/13। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 4x2 = 200, देखो 13 × 2 कितने होते हैं 26 - 2000/13, तो x2 = कितना बचा, देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600/13, यही आने वाला है। अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं,
चलिए देखिए, एक्स टू इज इक्वल्स टू 13 into 4, जो 4 आएगा वो यहाँ आएगा डिवाइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 150 upon 13, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 4 वन ज़ा 4 और 4 फाइव ज़ा 20 एंड 0, 150 आ गया ना, तो 115 upon 30, तो x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 400 upon 13, तो आपको देखिए C पॉइंट क्या मिल गया है, 400 upon 13, 150 upon 13, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया है, जितने पॉइंट हमें फिजिकल रीजन में दिए हुए थे सारे पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, इनको रखेंगे मैक्सिमम फंक्शन में, तो चलिए मैक्सिमम फंक्शन में रखते हैं, देखिए मैक्सिमम फंक्शन पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर ए कहाँ पे आपका ये रहा, तो इसके पॉइंट कितने हैं आपके 20, 0, पॉइंट नंबर बी कहाँ है आपका ये रहा, कितना पॉइंट है इसका 40, 0, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी देखिए कहाँ पे है ये रहा, जो भी हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है 400 upon 13, 150 upon 13, पॉइंट नंबर डी देखिए कहाँ पे है 0, 30, पॉइंट नंबर ई देखिए कहाँ है 0, 25, 5 पॉइंट थे फिजिबल रीजन में, 5 के 5 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट ए के लिए जेड निकालते हैं, देखो रखिए एक्स वन की जगह 20, तो कितना आ जाएगा आपका 60, अब बी के लिए जेड निकालिए, 40 रखिए तो कितना आएगा 120, अब इसके लिए निकालिए देखिए कितना आ जाएगा, 4 से 12, तो 1200 upon 30, प्लस 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 150 में, तो कितना आने वाला है आपका 600 upon 13, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 upon 13, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट डी के लिए सॉल्व करते हैं, रखिए कितना आ जाएगा 120, और ई के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट से आपकी वैल्यू निकाली हुई है, तो आप लोग क्या लिखोगे, द गिवन एलपीपी का मतलब लेंगे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन इज कितना होगा 180 मैक्सिमम सॉल्यूशन इज एक्स वन इज इक्वल्स टू कितना 400 upon 30 एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू 150 upon 13 और z की वैल्यू कितनी है आपकी 118 upon, दिस इज योर आंसर। तो ये हमारी एलपीपी थी, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन बहुत इजी है, आप लोग करके देखिएगा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम दिया हुआ है आपको, 4 कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट दिए हैं उनको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे इक्वेशन में, तो चलिए यहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन में कन्वर्टिंग द गिवन कॉन्स्टेंट इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में चेंज करेंगे, जहाँ इनइक्वालिटीज है वहाँ पे क्या लगा देंगे, इज इक्वल्स टू लगा देंगे, तो ये हमारी इन इक्वेशन में चेंज हो गई। अब क्या बताया था आपको, बॉक्सेस बनाइए, जितने भी इन इक्वेशन दिए हैं सबके सामने बॉक्स बनाएंगे, एक्स वन एंड एक्स टू वेरिएबल लिखेंगे, देखिए इसके सामने बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ वैल्यू दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसके सामने बनाइए, इसमें दी हुई है आपको
वेरिएबल दिया हुआ है आपके पास x1 एंड x2। नेक्स्ट के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी x1 एंड x2। ज़ीरो पुट कीजिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ ज़ीरो पुट कीजिए। देखिए x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 4। अब देखिए x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 8, और x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू भी 8 ही आएगी। अब देखिए x1 की जगह 0 रखा तो आपकी x2 की वैल्यू 4, और x2 की जगह 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी -4। इन इक्वेशंस के पॉइंट निकाल लें। अब क्या करेंगे, ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ देखिए, ये है आपका ग्राफ। देखो इसमें माइनस का पॉइंट भी आ रहा है तो हमें माइनस वाले यानी इधर के ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लास्ट पॉइंट कहाँ है हमारा x2 का, 6 है, तो 6 पॉइंट्स बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ है लास्ट पॉइंट, 8, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नीचे देखिए -4 तक चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, -5 तक हमारा ये हो गया। ये आपका x2 है एंड ये x1। तो चलिए देखिए पहले पॉइंट्स के साथ x1 कितना है, 0, और x2 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे कितना आ गया आपका, 0, 6। और नेक्स्ट है आपके पास 4, 0, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो 0, 4 दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया है, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास x1 = 2। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 1 और 2, यानी यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, कहाँ पर, x1 = 2 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन इक्वेशन आपके पास है, x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 8, तो x1 0 और x2 8, तो कितना आएगा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़ा छोटा रहेगा, तो देखिए ऊपर को बना लेते हैं 7 एंड 8, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 0, 8। तो यहाँ से नेक्स्ट आपके पास 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट पॉइंट आ रहा है आपका, कितना आएगा, 0, 8, 0। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। ये देखें, नेक्स्ट है आपके पास x1 0 एंड x2 4। x1 0 है और x2 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, तो 0, 4 एक पॉइंट आपके पास ये आया। नेक्स्ट है आपके पास x1 है आपके पास -4 और x2 है आपके पास 2, यानी इधर को हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो देखिए x1 की वैल्यू माइनस में है तो -1, -2, -3 एंड -4, तो ये आने आपके पास आएगा -4, 0। इधर वाले ग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि x2 की वैल्यू में माइनस में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो देखिए -4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये वाला कहाँ है, यहाँ पे। तो इन पॉइंट को हम इस तरह से यहाँ मिलाने वाले हैं। तो ये आपका ग्राफ रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटीज़ बची हैं, हमें फिजिबल रीज़न देखना है। तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन में लेस देन है। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास लेस देन ही है, इससे नेक्स्ट इक्वेशन में आपके पास ग्रेटर देन है, और नेक्स्ट वाली में भी ग्रेटर देन है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे लेस देन हो वहाँ पे क्या आता है, साइड ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट कहाँ है आपका, ये वाला साइड ऑफ ओरिजिन किधर है, ये इधर। नेक्स्ट है आपकी x1 = 2, साइड ऑफ ओरिजिन यानी इधर की साइड होगा आपका फिजिबल रीजन। नेक्स्ट देखिए कितना है आपके पास, ग्रेटर देन है यानी आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। कौन सी है आपके पास, ये वाली यानी आउटसाइड ऑफ ओरिजिन, उधर जाएगा ये, चला गया आपके पास। नेक्स्ट भी आपके पास ग्रेटर देन है तो आउटसाइड ऑफ ओरिजिन किधर जाएगा, इधर के साइड, ये है आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। अब इसमें देखिए 4 आपके पास, 1, 2, 3, 4 लाइन्स है, 4 लाइन में कोई भी कॉमन रीजन आपको नजर आ रहा है, इसका और इसका कॉमन रीजन तो हमारे पास ये है, लेकिन इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन रीजन हमारे पास नहीं है।
तो इस सॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है, आप लोग लिखोगे द गिवन एलपीपी हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। जब फिजिबल रीजन ही नहीं है तो फिजिबल सॉल्यूशन भी इसका नहीं होगा। तो लिखिएगा द गिवन कॉन्स्टेंट हैव द गिवन कॉन्स्टेंट हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आपके इसमें 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट रन पे कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है physics_guru_india। प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।